ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं ज्ञान के सागर ने ज्ञान रत्नों की झोलियां भर भर के हमें प्रदान की है। हम ज्ञान रत्नों के व्यापारी हैं और जिनके पास यहाँ बहुत ज्ञान रत्न होंगे उन्हें सत्युग त्रेता में भी स्थूल रत्नों की भरमार होगी। तो आइए ज्ञान रत्नों से अपने जीवन का श्रृंगार करें और इस भारत को फिर से सबसे ज्यादा साहूकार बनाएं। भारत एक महान देश है और इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, यह अविनाशी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान इस भारत भूमि को बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये उसकी भी जन्मभूमि है। इसकी सुरक्षा करना उसकी प्रथम जिम्मेदारी है, प्रथम कर्तव्य है। तो हम निश्चिंत होकर अब भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में तत्पर हो जाएं और इतने निश्चिंत रहें कि हमें टाइटल मिले कि तुम डबल लाइट हो, डबल लाइट योगी। डबल लाइट के दो अर्थ, मैं आत्मा लाइट और मेरा ये देह भी लाइट का, प्रकाश का। मैं आत्मा भी प्रकाशमान और ये देह भी प्रकाश का सूक्ष्म शरीर, ये है डबल लाइट। दूसरा, मैं आत्मा भी लाइट ज्योति और मन भी लाइट, बहुत हल्का बहुत हल्का, यह है डबल लाइट। तो हम बहुत हल्का रहना सीखें और इसकी विधि है कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकाश हूँ, लाइट हूँ, इस स्वरूप में बहुत स्थित रहें। मेरा देह भी लाइट का है, अपने देह को भी लाइट का देखें, क्योंकि ये देह के अंदर का लाइट का देह वास्तव में मन द्वारा निर्मित देह है। हम अपने मन में जैसे संकल्प करते हैं वैसी एनर्जी चारों ओर फैलती है, इस देह में फैलती है और हमारे देह के अंदर एक एनर्जी के बॉडी का निर्माण होता है। तो जैसा हमारा ये स्थूल देह बाहर है वैसे इसके अंदर समाया हुआ सूक्ष्म शरीर भी है, जो बॉडी ऑफ एनर्जी है, बॉडी ऑफ लाइट है। हम उसको देखा करें और फील किया करें कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा प्रकाश की देह में बैठी हूँ। कुछ क्षणों के लिए संकल्प कर लें, मानो ये स्थूल देह है ही नहीं, ये लोप हो गया और बच गई मैं आत्मा प्रकाश की देह में विराजमान। इससे हम दिनों दिन लाइट होते जाएंगे और अपने को हल्का बनाने के लिए हम ज्ञान की मुख्य बातों का प्रयोग करें कि बाबा हमारे साथ है, उसने हमारी सारी जिम्मेदारी ली हुई है, मन के बोझ उसने ले लिए हैं और हम अपने मन के बोझ उसको देने के आदती बने। हम अपनी नेचर बनाएं कि जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनके सिर पर भगवान की छत्र छाया हो, वो भला अपने सिर पर बोझ क्यों लेंगे। तो उसे अपने सिर पर देखो तो सिर पर रखी हुई बोझ की सारी गठरियां उतर जाएंगी और बहुत हल्के हो जाएंगे। ये याद रखें, ये ड्रामा बना बनाया है, होगा वही जो इस ड्रामा में नूंद है, उसके अतिरिक्त कुछ भी होने वाला नहीं है। इस नशे में निरंतर रहकर अपने को बहुत हल्का रखें, क्योंकि जो मनुष्य बहुत हल्का है उसी की संकल्प शक्ति नष्ट होने से बचती है और वही सफल योगी बन सकता है। तो आइए आज सारा दिन बहुत अच्छा अभ्यास करें, ये देह अलग, मैं आत्मा अलग, और मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ, फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता।
तो आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा पवित्रता की सूर्य और नीचे देह है प्रकाश का, वो भी जैसे पवित्रता का देह है, तो मैं चेतन पवित्र फरिश्ता हूँ, इस संसार में पवित्रता का सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति।